हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को फिर से टॉप हिंदी गिटार लेसन में स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रॉक ऑन, सिनबाद द सेलर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्त के साथ शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी देखते हैं गिटार का ट्यूनिंग ऊपर से लेके नीचे तक, फ्रॉम सिक्स्थ टिल फर्स्ट। गिटार अभी ई स्टैंडर्ड में ट्यून है, ई ए डी जी बी ई, ई स्टैंडर्ड। तो अभी आपको मैं द मेन गिटार इंट्रो दिखाऊंगा, द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग में गिटार इंट्रो है। आपको मैं वो फर्स्ट आई प्ले इट रियली स्लोली एंड आई विल ब्रेक इट डाउन। इट्स सुपर सिंपल। तो क्या होता है कि पहले आप बजाते हैं द जी, लेकिन नॉर्मली हम ये ऐसे जी बजाते हैं। अभी आपको सिक्स्थ और फिफ्थ नहीं बजाना है, हम बजाते फ्रॉम फोर्थ टिल फर्स्ट, ओपन ओपन थर्ड थर्ड। इस पोजिशन में आप बजाते हैं पहले वन वन टू थ्री फोर फाइव वन। आप एक बार बजा के आफ्टर दैट आपको पांच बार और बजाना है, वन वन टू थ्री फोर फाइव। उसके बाद अभी हम एफ नोट को ऐड करेंगे। फिंगर पोजिशन फोर्थ से लेके फर्स्ट तक, थ्री ओपन थ्री थ्री। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, मैंने बिफोर ऐसे काउंट किया था, एक एक दो तीन चार पांच। इफ यू फाइंड दिस, अगर आपको ये टेक्निक बहुत ही वियर्ड लगता है, मैंने एक बार बजा के थोड़ा सा रेस्ट किया था, इसलिए मैंने एक एक दो तीन चार पाँच बोला था। इफ यू फाइंड दिस सुपर ऑड, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आप ऐसे कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन में एक बार बजा के पाँच बार बजाना था, उसके बाद सेकेंड पोजिशन में आठ बार, एक बार बजा के उसके बाद फिर सेवन टाइम्स मोर, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आप पहले जी करेंगे, उसके बाद एफ को ऐड करेंगे, उसके बाद आप ई ऐड करेंगे, उसके बाद हम बजाएंगे सी एड नाइन। जी, उसके बाद एफ नोट को ऐड करना है, फोर्थ स्ट्रिंग का नंबर थर्ड, उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग का नंबर टू ई ए, उसके बाद आप करेंगे सी एड नाइन। वन मोर टाइम, आप टेक्निक सेम यही करेंगे। अभी पहले में हमने किया था सिक्स टाइम, उसके बाद एट टाइम्स, जी में सिक्स टाइम, एफ में एट टाइम्स, आई मीन द एफ नोट में एट टाइम्स। अभी जब आप ई नोट ऐड करते हैं ना, वहां पर भी सिक्स टाइम, एक बार बजा के फाइव मोर टाइम्स, उसके बाद सी एड नाइन में एट टाइम्स, एक बार बजा के सेवन मोर टाइम्स। सुपर सिंपल राइट। अभी साउंड के लिए थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ऐड करिए, आई थिंक साउंड सुपर नाइस। इसमें थोड़ा गेन बहुत कम है, अभी उसके लिए मैं दिस वन, पिकअप पोजिशन आप कर सकते हैं ब्रिज वाले। जब आप ये द वेरी फर्स्ट हिट करते हैं ना फर्स्ट पोजिशन में, अगर आप मिस्टेकली फिफ्थ और सिक्स बजाते हैं ना ओपन, आई थिंक साउंड्स रियली वियर्ड, इसलिए प्लीज आपको अभी अवॉइड करना है फिफ्थ और सिक्स स्ट्रिंग। अगर आप अवॉइड नहीं करते तो ऐसे बजता है, दिस इज सुपर बैड। अभी ये मेलोडी देखते हैं, सुपर इंटरेस्टिंग। अभी इसमें आप टैपिंग टेक्निक
यूज करते हैं, पहले आपको मैं बताऊंगा टैपिंग पोजिशन। लेफ्ट हैंड होता है 15, 13, 12, 10। अभी राइट हैंड होता है द होल टाइम सेकेंड स्ट्रिंगर नंबर 8 में। ये टैपिंग हम करते हैं द होल टाइम सेकेंड स्ट्रिंगर नंबर 8 में। तो पहले द वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या करते हैं कि ऐसे विदाउट द पिक आप ऐसे एक बार पिक करेंगे, आप 8 को बजाएंगे, उसके बाद टैपिंग करना है। उसके बाद जब आप टैपिंग करते हैं ना, प्लीज आप ऐसी टैपिंग करके ऊपर नहीं आ सकते हैं। आपको बजा के ऐसे उंगली से ऐसे पिक करना है आपको। जब आप सिंपली टैप करके ऐसे ऊपर आते हैं ना, आई थिंक इट्स यू विल नॉट गेट द परफेक्ट टैपिंग साउंड। इसे टैप करके आपको इसे पिक करना है। जब आप सिंपली ऐसे टैप करके ऊपर जाते हैं ना, यू गेट द टैपिंग साउंड, लेकिन आफ्टर दैट यू डोंट हियर दिस नोट। लाइक दिस इज सुपर बैड, यू नीड दिस वन। इसे टैप करके इसे लाइक द पिक, यू नो। सो वन मोर टाइम, 8 बजाना है, उसके बाद 15 में टैपिंग करना है। 8 बजता है, उसके बाद 15, उसके बाद 8। 3 टाइम्स टैपिंग होता है, उसके बाद द एंड में सेक्शन नंबर 1 का एंड में 8 करना है। 8 15 8 15 8 15 8। द वेरी फर्स्ट 8 और 15 में होता है 3 टाइम्स टैपिंग, उसके बाद आपको 8 में एंड करना है। एंड नाउ यू डू द सेम, लेकिन अभी 13 में। अभी यहाँ पर आप टैपिंग करते हैं 4 टाइम्स। द वेरी फर्स्ट वन 1 2 3 4 टाइम्स। अभी 12 में भी 4 टाइम्स, 10 में 4 टाइम्स टैपिंग, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। अभी द एंड का थोड़ा सा डिफरेंट है टाइमिंग। अभी आपको थोड़ा सा गाना सुन के थोड़ा एनालाइज भी करना पड़ेगा, प्लीज। अभी आप मेरी वीडियो में 100% डिपेंड नहीं हो सकते, आपको थोड़ा गाना सुन के थोड़ा एनालाइज भी करना पड़ेगा, लेकिन दिस आर द टेक्निक यू यूज फॉर प्लेइंग द मेन मेलोडी। डिस्टॉर्शन ऑन करके अभी मैं डीले ऐड कर रहा हूँ। अभी नेक पिकअप यूज करके एंड एट दिस टाइम आप रिदम बजाते सेम लाइक द इंट्रो। अभी गाने का रिदम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद द कॉर्ड्स। कॉर्ड्स अभी सुपर सिंपल है, रिदम पैटर्न आपको मैं सिंपली बता के दिखाऊंगा। अच्छा लगता है तो यू कैन डू इट, इफ नॉट देन सिंपली जस्ट आप ऐसे बजा के यू कैन जस्ट लेट इट रिंग, यू नो, लाइक इस सेक्शन में आप सिंपली एक बार बजा के यू कैन जस्ट लेट इट रिंग। एंड देन व्हेन इट कम्स लाइक इस सेक्शन में आप ये रिदम पैटर्न कर सकते हैं, डाउन 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 डाउन। One more time, rhythm pattern. Down, 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 up, down, up, down, down, down. Down, 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 down. And now, chord. The very first verse mein aap karte hai G, same like the intro. Na, 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 na.
super easy. बेस गिटार कर सकते हैं, जी एफ ई, उसके बाद सी. नाउ डी ए माइनर, जी, उसके बाद सी, डी, ए माइनर, G. Now chorus. Same like the intro. Clean guitar में it makes sense ये rhythm pattern करना. लेकिन जब आप डिस्टॉर्शन ऑन करते हैं ना, आई थिंक इट साउंड्स सुपर वियर्ड. सो इसलिए व्हाट आई सजेस्ट इज जस्ट एक बार बजा के लेट ड्रिंग. Sounds super dirty, right? But you can always try to improvise and try something different. अभी ये सोलो देखते हैं, सुपर इंटरेस्टिंग. तो द वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या करते हैं कि थर्ड स्ट्रिंग का 11 से लेके 12 में स्लाइड, एंड नाउ 12 से 10 में बैक स्लाइड, फोर्थ स्ट्रिंग का 12 बैक टू थर्ड का 10 में वाइब्राटो. नाउ सेक्शन देखते हैं, थर्ड स्ट्रिंग का 10 बजाना है, उसके बाद 9 10 9 में हैमर ऑन पुल ऑफ, 9 से 7 में बैक स्लाइड, वहां पर भी अभी 7 9 7 में हैमर ऑन पुल ऑफ, अभी 7 से बैक स्लाइड करके 5 में जाना है, 5 7 5 में हैमर ऑन पुल ऑफ, उसके बाद 5 से बैक स्लाइड करके थर्ड का 4 5 7, फोर्थ का 5 7, फिफ्थ का 7. अभी आपको करना है बैक टू फोर्थ का 5 7, फिफ्थ का 7, फोर्थ का 5. वन टाइम रियली स्लोली. वाइब्राटो. अभी रैंडम सेट करना है फोर्थ का 10 में, उसके बाद फोर्थ का 10 और थर्ड का 10 बजाना है. वाइब्राटो. अभी स्ट्रेट स्ट्रिंग को स्किप करके सेकंड का अभी 13 बजाना है, उसके बाद 12 में हाफ बेंड करना है, नीचे आके 13 बजाना है, स्लोली बेंड करके फुल बेंड करके फर्स्ट का 10 12, सेकंड का 13, बैक टू फर्स्ट का 10 बजाना है. अभी सेकंड का 12 में हाफ बेंड, नीचे आके 10 में पुल ऑफ करना है. अभी थर्ड का 12, 10, 9 में हाफ बेंड, उसके बाद थर्ड का 10, 12, वहाँ पर वाइब्राटो थोड़ा सा. अभी थर्ड का 10, 12, सेकंड का 10, थर्ड का 12 में बेंड फुल. नाउ थर्ड का 12, 14, सेकंड का 12, बैक टू थर्ड का 14 में फुल बेंड,
अभी सेकंड का 12, 13, 13 में बेंड फुल नीचे आके 15 बजाना है। नाउ सेकंड का 15, 17, 18, 17 में हाफ बेंड नीचे आके 17 से 15 पुल ऑफ, अभी 18 में फुल बेंड वाइब्राटो बैक स्लाइड। नाउ एट द वेरी एंड में सेकंड का 17 में रैंडम स्लाइड, फर्स्ट का 15, 18 में फुल बेंड, अभी 17 में हाफ बेंड नीचे आके फर्स्ट का 15 बजाना है, सेकंड का 17, अभी फर्स्ट का 15 से 17 में हैमर ऑन, उसके बाद सेकंड का 15 बजाना है वाइब्राटो एंड बैक स्लाइड। सुपर इंटरेस्टिंग सोलो, सोलो का कॉर्ड होता है सेम लाइक द इंट्रो। अभी बीच में एक थोड़ा सा कॉर्ड चेंजेस है वो देखते हैं। अभी आता है तुम वो तुम, यहां पर होता है सी ना 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 ना, उसके बाद ना 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 डी माइनर ना 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 जी, अभी ये वन मोर टाइम रिपीट होता है, उसके बाद जी माइनर तुम हो तो एफ ना बी माइनर ना 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 ई माइनर एफ ना ना एंड नाउ ना ना जी ना ई ए माइनर टाइम रिपीट होता है, उसके बाद ऑन द सेकंड वन जी आप सी करके सिंपली रूट सी को अभी चेंज करके बी करना है। सी सेकंड वन इज फिंगर पोजिशन फिफ्थ से लेके फर्स्ट तक, टू ओपन ओपन वन ओपन जिंदगी E minor, F, back to C, and then comes G minor, A sharp, C. We feel up it. देखते हैं very long outro solo, बहुत ही interesting है। थोड़ा मैंने वहाँ पर improvise किया है। I'm sorry for that. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी ये सोलो देखते हैं, मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है द एंड का सोलो में, इट वाज लाइक सुपर कंफ्यूजिंग देयर, इसलिए आई हैड टू डू सम इम्प्रोवाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरा इम्प्रोवाइजेशन अच्छा नहीं लगता है तो, सो द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पर जी माइनर ए शार्प सी, द वेरी फर्स्ट फिल अप और द सोल का स्टार्टिंग, ऐसे मैं म्यूटेड स्ट्रिंग करके सेकंड स्ट्रिंग का 13 में जा रहा हूँ, फर्स्ट का 13, अभी फर्स्ट का अभी 11 फुल बेंड, अभी सेकंड का 13 में बजा के थोड़ा सा वाइब्राटो, एंड नाउ
अभी यहाँ तक देखते हैं। सेकेंड का 11 फुल बेंड, उसके बाद सेकेंड का 11, 10, 8, थर्ड का 10, अभी 9 में हाफ बेंड, अभी फोर्थ का 10, फिफ्थ का 10, अभी बैक टू फोर्थ का 8 और 7 में हाफ हाफ बेंड, फिफ्थ का 8, 10, 7, फोर्थ का 10, 8, अभी 7 में हाफ बेंड, फिफ्थ का 8, 10 बजा के 10 से बैक साइड करना है, अभी 6 में हाफ बेंड, अभी उसके बाद आप फिफ्थ स्ट्रिंग का 3 कर सकते हैं और 6 स्ट्रिंग का 8 कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग का 12 में रैंडम स्लाइड, फोर्थ का 10, उसके बाद फिफ्थ का 12, फोर्थ का 10, अभी फोर्थ का 12 से 14 में स्लाइड, थर्ड का 12, 14, अभी फोर्थ को स्किप करके फिफ्थ का 13, अभी 10 में रैंडम स्लाइड, फिफ्थ का, फोर्थ का 8, 10, अभी 10 में बेंड करके फुल बेंड करके 8 में पुल ऑफ करना है, उसके बाद फिफ्थ का 10 बजाना है, फोर्थ का 8, अभी एक बार 10 में बजा के 10 में फुल बेंड, 8 में रिलीज, अभी आता है वो इम्प्रोवाइजेशन। द थिंग इज इट साउंड सुपर वियर्ड, यू नो, जब आपको मैं बोलता हूँ ना एक एक नोट करके, इट साउंड सुपर वियर्ड, लेकिन प्लीज़ गाना सुन के आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइमिंग पकड़ना पड़ेगा, कहाँ पर वो सोलो स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है। आई थिंक जब आप एक बार सुनेंगे ना सॉन्ग, यू विल फिगर इट आउट एग्जैक्टली वे टू प्ले एंड व्हाट टू प्ले एंड व्हेन टू प्ले। अभी आता है वो इम्प्रोवाइजेशन वाला फिल अप आउटरो सोलो द वेरी एंड का। आपने ये नोटिस किया, मैं जब मैं ये कहता हूं ना, आई रियली लव दिस नोट हियर, आप क्या करते हैं कि थर्ड स्ट्रिंग का 9 में रैंडम स्लाइड, अभी सेकंड और फर्स्ट का 8, अभी 11 में फुल बेंड, फर्स्ट का 8, अभी सेकंड का 11 से 8 में पुल ऑफ, 10 से 8 में पुल ऑफ, थर्ड का 11, सेकंड का 8, अभी थर्ड का 11, 10, 8 में पुल ऑफ करना है, फोर्थ का 10, अभी 8, 10, 11 में हैमर ऑन, अभी 10 में पुल ऑफ, 8 में पुल ऑफ। फोर्थ का 10, अभी थर्ड का 8, 9, 8 में फ्रंट और बैक स्लाइड, फोर्थ का 10 से 8 में पुल ऑफ, अभी फिफ्थ का 10 से 8 में पुल ऑफ, अभी 10 में हैमर ऑन, फोर्थ का 8 से 10 में हैमर ऑन, थर्ड का 8 से 10 में हैमर ऑन करके 10 में फुल बेंड करना है, अभी द वेरी एंड में थर्ड स्ट्रिंग का 12 में रैंडम स्लाइड, सेकंड का 11 बजाना है, उसके बाद ये करना है सेकंड और फर्स्ट का 14, 11 में पुल ऑफ, फर्स्ट का 14, 11 में पुल ऑफ, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग का 13 से 11 में पुल ऑफ, अभी फर्स्ट का 13 से 15 में स्लाइड, अभी ये करना है आपको फर्स्ट स्ट्रिंग का 14 से 13 में पुल ऑफ, सेकंड का 16, बैक टू फर्स्ट का 13, अभी सेकंड का 16 में 1.5 बेंड, एंड देन थोड़ा सा फुल 1.5 बेंड करके थोड़ा सा वाइब्रेटो करना है नीचे आके, सेकंड का 13 बजाना है। सो दोस्तों, दैट वॉज ऑल, प्लीज
टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ एंड वी विल सी अस वेरी सून.